गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं जुगल किशोर स्वामी आपके बीच में एक बार फिर उपस्थित हूँ। अपना क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का गुणनफल है वो 2500 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या की 4 गुनी है तो दोनों संख्याओं का योगफल है। अपने इस क्वेश्चन को देखते हैं कि कोई दो संख्याएं हैं उनका गुणनफल इतना आता है, अगर उन दोनों संख्याओं का योगफल किया जाए तो कितना आएगा। पहली संख्या है वो दूसरी संख्या के 4 गुनी है। तो देखते हैं, हम इस क्वेश्चन को बेसिक से भी देखते हैं कैसे होता है। यहाँ से देखते हैं, पहला ऑप्शन है अपना 25। 25 इनमें से अगर इसका पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की 4 गुनी है। अगर दूसरी संख्या ए है तो पहली संख्या 4a होगी। तो यहाँ से देखिए, ये कितने ए हो गए, 5a हो गए। 4a प्लस ए इजिकल टू कितने हो गए, 5a। अगर इसका 5 को डिवाइड करें तो 20 और 5 आ जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना नहीं आ रहा है। अगर इसका करें तो 25 और 100 आ गया। अगर इसका मल्टीप्लाई करें तो ये आ रहा है। अपना ऑप्शन कौन सा सी हो गया, ये हो गया। अगर इसका करें तो 50 और 200 हो गए। लेकिन इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 10,000 हो जाएंगे। ये भी नहीं होगा। इसका करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 45, 180 और 45 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। अगर इस क्वेश्चन को अपने बेसिक से करना चाहें तो ऐसे करेंगे, पहला है 4a इंटू ए इजिकल टू 2500। हमने माना है कि द्वितीय दाई का जो दूसरी संख्या है वो a है, तो पहली संख्या 4a होगी। इसका मल्टीप्लाई ये आ रहा है, तो ये आ गया 4a इजिकल टू 2500। ए की स्केयर इजिकल टू 2500 अपॉन 4। ए की स्केयर इजिकल टू 625। ए इजिकल टू 25। यहाँ प्लस माइनस के आएंगे, जबकि माइनस का नहीं लेंगे क्योंकि ये संख्या क्या है, धनात्मक है। तो ए का मान 25 आया, तो यहाँ की 25 का किस संख्या के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो वो 2500 आ जाए। तो वो क्या गया, 2500। तो यहाँ इसका दोनों का ऐड करेंगे तो 125 आता है। तो अपना कितना इजी क्वेश्चन हो गया। कि अब देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, अपना क्वेश्चन है ए स्टार बी इजिकल टू है ए प्लस बी प्लस ए अपॉन बी हो तो 12*4 का मान कितना होगा, ये देखते हैं। तो अपने देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। हम यहाँ पे लिख रहे हैं 12*4, यहाँ ए स्टार बी इजिकल टू है ए प्लस बी प्लस ए अपॉन बी। यहाँ से देखते हैं, ए की जगह 12 है, बी की जगह 4 है, और ए की जगह 12 है अपॉन है 4। इस प्रकार के क्वेश्चन आ गया। तो सबसे पहले 12 की जगह 12, 4 की जगह 4, यहाँ से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 13। इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 19। अपना कौन सा ऑप्शन सही हो गया, डी ऑप्शन सही हो गया। अब देखो, इसमें बिना सोचे समझे अगर क्वेश्चन को देखें तो अगर यहाँ ऐसे देखते ही क्या कर दिया जाता है, मल्टीप्लाई कर दिया जाता है और 48 कर देते हैं। अब 48 करते ही क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, जबकि अपना एक्यूरेट आंसर कौन सा आता है, 19 आता है। तो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी संख्या के वर्ग में 28 की स्क्वायर जोड़ने पर इतना आता है। हमने माना वो संख्या क्या है, ए की स्क्वायर, और उसमें 28 की होल स्क्वायर ऐड किया तो 1808 आ रहा है। देखिए यहाँ से इसका वर्ग करेंगे तो इकाई का अंक आएगा 4, और यहाँ आएगा 8। हम क्या इकाई का अंक ले रहे हैं। यहाँ से अपने को पता है इसके 400
इसका कितना आता है, यहाँ से 4 आ गया। अब जिसका इकाई अंक लेके आएंगे उसमें 4 आना जरूरी है, तभी तो ऐड होंगे। तो यहाँ देखो 0 आएगा, इसका 0 आएगा, तो 0 का वर्ग करेंगे तो 0 आएगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ से इसका 5 आएगा तो ये नहीं होगा, ऑप्शन अपने 2 कट गए। अब ऑप्शन बचे 32 और 42 बचे हैं। 32 में कितना आएगा, 1024 आएगा, यहाँ भी ऐड आ रहा है, और यहाँ भी कितने आ रहे हैं, यहाँ से देखिए। अब देखो इससे अपने को पता चल जाएगा अपने को कितना लेके आना है, 1808 लेके आना है, और यहाँ 42 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 1600 से अब वो आएगा। क्यों, क्योंकि अगर 40 का वर्ग करेंगे तो 1600 आएगा, और 100 ये तो कितना है, 42 है, तो इसे 1600 से अधिक आएगा, जबकि यहाँ करेंगे तो ये 400 से अधिक आएगा। तो अपना तो 16, अगर ये लिया जाए तो 1600 और 2000 हो गए, जबकि अपने पास संख्या कितनी है, 1808 है, तो अपना कौन सा ऑप्शन हो गया, बी हो गया। तो देखते हैं अपने बी से कैसे सही होता है नहीं होता है। यहाँ 32 की होल स्क्वायर प्लस 28 की होल स्क्वायर इजिकल टू 1808 आता है, नहीं इसका आता है 1024 का आता है 784, इसका 784 आता है, इसको ऐड करो, यहाँ पे आ रहा है 8, यहाँ पे आ रहा है 0, हासिल हो रही है 1, 8, और ये कितना का 800, तो अपना कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। यहाँ से अपने को स्पष्ट पता चल रहा है कि यहाँ से तो 0 आया, ये दो ऑप्शन तो तब कट गए, यहाँ से 5 आया तब कट गए। अब ऑप्शन बचे अपने 2, यहाँ 42 आ रहा है, 42 का अगर स्क्वायर करोगे तो 1600 से अब वो आएंगे, 1600 से अधिक आएंगे, जबकि ये कितने आएंगे, 784, 28 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 784, तो 784 और 1600, तो ये तो 2000 से प्लस हो गए, जबकि अपने पास संख्या कितनी है, 1808 है, तो अपने तक वो संख्या ऐड करनी है इसमें जिसका योग करने पर 1808 आ जाए। तो अपना ये ऑप्शन इसलिए कट गया, तो अपना ऑप्शन बच गया 1, तो अपना ये ऑप्शन 32 वाला सही है। तो अब देखते हैं अपने नेक्स्ट, देखिए दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, 7, 6, 5, 7, 6 निम्न में से किसकी गुणज है, यानी इनमें से अपने को वो संख्या देखनी है जो इसके किसी संख्या के साथ गुणा करने पर ये आ जाए, या ये मानो कि इसमें किसका पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो देखो अपने भाग से देखते हैं अपने को कैसे, सबसे इजी अपने को इस क्वेश्चन को देखने में अपने को ये लगता है कि इसको डिवाइड कर करके देखना पड़ेगा, नहीं अपने को कोई डिवाइड करके नहीं देखेंगे, अपने जैसे जैसे इसमें दे रखा है वैसे हम करते जाएंगे। देखो इसमें से ध्यान से देखना, 5 आ रहा है, फिर 7 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है, फिर वापस 5 आ रहा है, यानी 2 अंक छोड़ के आ रहा है। यहाँ से देखिए 7 भी कितने अंक छोड़ के आ रहा है, 2 अंक छोड़ के आ रहा है, 6 और 5, और 6 भी कितने अंक छोड़ के आ रहा है, 2 अंक छोड़ के आ रहा है, तो यानी इसमें 2 अंकों के बाद में पुनरावृत्ति हो रही है, तो जिसका भी भाग जाएगा वो 2 अंकों के बाद छोड़कर इसकी पुनरावृत्ति होगी। तो देखिए यहाँ से 2 अंकों को छोड़ के पुनरावृत्ति हो रही है, क्योंकि 2 0 आना है, यहाँ पे नहीं हो रही, 2 अंकों को छोड़ के, यहाँ 3 अंकों को छोड़ के हो रही है, ये इसमें दे ही नहीं रखा है, तो यानी वो ऑप्शन कौन सा आ गया, ए ऑप्शन, जितने अंकों को छोड़कर यहाँ पुनरावृत्ति हो रही है, इतने अंकों को छोड़कर यहाँ भी पुनरावृत्ति हो रही है, तो ये इसे डिवाइड हो जाएगा। अब देख लीजिए डिवाइड होता है या नहीं होता है, आपको करके देख लीजिए, अपना ऑप्शन ए सही है। तो देखिए 101 से डिवाइड करती है, इसमें डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार, 5005, यहाँ से आ गया 0, यहाँ से 6, यहाँ से 7, फिर आगे उतारेंगे 7 आ गया, 7 में कितनी बार जाएगा, 7, तो यहाँ आ गया 7007, यहाँ 0 आ गया, यहाँ 0 आ गया, यहाँ 6 आ गया, यहाँ 6 आ गया, 6006, क्या बताया आंसर, यानी वो किसके 1001 × 576, यानी हमने कैसे किया इस क्वेश्चन को, इनमें जितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, अब देखो 5 की 2 अंकों के बाद आ रहा है, 7 भी 2 अंकों के बाद आ रहा है, 6 भी 2 अंकों के बाद आ रहा है, यानी 2 अंकों के बाद पुनरावृत्ति हो रही है,
तो यहां भी वन की भी कितने अंकों के बाद पुनरावृत्ति हो रही है, दो अंकों के बाद पुनरावृत्ति हो रही है, तो ये इस संख्या से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। तो देखते हैं, देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो धनात्मक पूर्णांक का गुणफल है 31/92, तो वह छोटा पूर्णांक कौन सा है। दो पूर्णांक है और उसका मल्टीप्लाई करें तो वो कितना आता है 31/92। इसमें से अपने पास छोटा पूर्णांक दे रखा है, चारों में से देखना है, यहाँ उसके साथ मल्टीप्लाई करने पर इकाई अंक 2 आता है, तो हम देखते हैं कि किसके साथ मल्टीप्लाई करने पर 2 आता है। यहाँ से देखो 58 छोटा है तो 59 बड़ा होगा, क्योंकि उत्तरोत्तर क्रमबद्ध है ना, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी 72 आता है, तो इसका आता है, यहाँ से करेंगे 52 × 53, यहाँ से 6 आता है, तो ये ऑप्शन कट गया अपना पहले, यहाँ से करेंगे 56 × 57 आता है, यहाँ से 42 आता है, तो ये भी हो सकता है, यहाँ से करेंगे तो 54 × 55 आता है, यहाँ से 0 आता है, तो अपना दो ऑप्शन कट गए अपने। क्वेश्चन किए बगैर ही अपने को पता चल गया कि दो अंक, सॉरी दो ऑप्शन थे वो कट गए। अब अपने पास ऑप्शन बचे दो, एक तो ये बचा है और एक 56 × 57 वाला बचा है। अब आपको यहाँ पर 9 आना चाहिए, अब अपने इकाई अंक तो निकाल लेंगे, ढाई अंक से देखते हैं, यहाँ से देखते हैं तो ये कितना आता है 72 आता है, 72 का आ गया 2 और कैरी आ गई 2, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से ये यह होगी 45 और ये होगी 40, भी बार वाली संख्या, बार वाले अंक को बार वाले अंक से और बीच वाले अंक को बीच वाले से, तो यानी ये कितना आ गया 40 और ये कितना हो गया 45, ये कितना हो गया 85 और ये इसका कितना आ गया 7 असल वाले आ गए 12 और 1 9, यहाँ कितना आ गया 2, जबकि ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। अब इस ऑप्शन से देखते हैं, यहाँ कितना 7 × 42, यहाँ कितने आ गए 4 असल, तो 12 वाले से 12 वाले, अंदर वाले के अंदर 6 × 5 = 30 और 7 × 5 = 35, 65 + 4 कितने हो गए 69 का, ये कितना 9, तो अपना कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। देखिए यहाँ से अपने पहले बी और डी तो पहले ही कटोगे, क्यों कटोगे, क्योंकि यहाँ इकाई अंक 2 है तो आगे आने वाले का 3 होगा तो 6 आ रहा है, जबकि यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 4 है तो यहाँ 5 आएगा, 4 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, यहाँ 2 आ रहा है। अब इन दोनों में से देखें, इन दोनों में से किया तो इसका इकाई अंक कितना आता है 2 और ढाई अंक भी 2 आता है, इसका इकाई अंक 2 और ढाई अंक 9 आता है, जबकि अपने को 9 और 2 चाहिए, तो ऑप्शन ये हो गया। इकाई और ढाई अंक निकालना आपको पीछे वाले वीडियो में बता दिए गए थे, अभी मैं आपको वापस बता देता हूँ, जैसे 56 × 57 का निकाल रहे हैं तो सबसे पहले इकाई अंक निकालना हो तो इकाई वाली दोनों संख्याओं से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 7 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, 42, तो हासिल कितनी होगी 4 हो गई। अब बार जो बाहर है जो बाहर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, अंदर है जो अंदर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 का गुणा किससे होगा 5 से, 35 और ये कितने हो गए 6 × 5, 35 और 30 65 में 4 जोड़ेंगे तो 69, ये कितने आ गए 2। इसी प्रकार हम 3 अंकों वाली हो तो 3 अंक निकाल सकते हैं, तो अपना ऑप्शन कौन सा हो गया 56 हो गया। तो देखते हैं अपना नेक्स्ट, देखिए दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 6 7 की पावर 83 और 4 5 2 की पावर 112 में अपने को ये बताना है कि इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक के बारे में इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी कि अगर इकाई अंक निकालना हो तो उसमें 4 का भाग दे दिया जाएगा जो पावर है उसमें, तो यहाँ से पावर 4 का भाग देंगे तो 83 में 4 का भाग देंगे तो जो शेषफल आएगा वो लिखेंगे, तो यहाँ कितनी बार जाएगा शेषफल आ जाएगा 3, यहाँ 3 लिख दिया, प्लस यहाँ इसमें भाग देंगे 112 में 4 का भाग देंगे तो ये 2 बार जाएगा 8 × 3 = 32, तो ये कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, तो यानी 2 की पावर कितना लिखेंगे 0, यहाँ 32 आ जाएगा क्योंकि जो शेषफल 0 आ जाता है तो उसकी पावर 4 लिखी जाती है, तो यहाँ 2 की पावर 3
यानी 7 की घात 3 करेंगे तो 343 आता है, और यहाँ 2 की पावर 4 करोगे तो 16 आता है। तो यहाँ 3 प्लस 6, क्योंकि अपने को तो इकाई अंक देखना है, तो आता है 9। अपना कौन सा ऑप्शन सी हो गया? सी ऑप्शन सी हो गया। हमने ये आपको पूरी की पूरी डिटेल है वो इससे पहले जो वीडियो आए थे उनमें आपको बताया गया है कि हम 4 से ही क्यों डिवाइड करते हैं। शेषफल आता है तो उसको 0 आता है तो 4 ही क्यों लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।